इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, थोड़ा कट गया वीडियो, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट जो आपको, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो होते हैं इसमें नर और मादा दोनों अंग है ना। तो मैं जो बताने वाला था, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए, छोटा है बहुत, ठीक है। तो ये जो दिखाई जो दे रहा है ये वाला, ठीक है, चलिए, बहुत छोटा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये है पुंकेसर है, ये चलिए स्टेमन होता है पुंकेसर, यही होता है नर अंग होता है, ठीक है। तो इस पुंकेसर में क्या होते हैं, एक जो होता है ये पुंकेसर होता है, ये किनारे वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, एक मिनट इसमें देखिए, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये पुंकेसर है, ठीक है, ये है एंथर है ये, ठीक है। और इसको कहा जाता है जो यहाँ पे, इससे यहाँ पे अटैच है, ये फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है। और ये पुंकेसर एंथर को इस फिलामेंट, एक्चुअली यहाँ तक जोड़े हुए हैं, एक्चुअली इसको कनेक्टिव कहा जाता है, उससे जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होते हैं वो कनेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरली इससे अंगों के बारे में बात हो गया है, ठीक है। और ये होता है स्टिग्मा, एक्चुअली ये अब फीमेल के बारे में देते हैं, पुमा जयांग जो होता है, पुंके जो नर होता है उसको बता दिया कि वो क्या होता है, पुमंग कहलाता है, किसी पौधे के जो नर जनन अंग होते हैं वो कहलाता है, पुमंग कहलाता है, और मादा जो जनन अंग होता है वो जयान कहलाता है, ठीक है। तो अब आते हैं मादा के बारे में। तो मादा के बारे में ये होता है स्टिग्मा, एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी तीनों से मिल के बना होता है आपका, सॉरी, पौधे का जो जयांग होता है वो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ओवरी होता है, एक्चुअली ये ओवरी भी लीफ से ही बना हुआ है, पत्ती में उभार नुमा संरचना है जिसे ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो इस ओवरी और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा ही मादा जनन अंग होता है, ठीक है। तो इस एक्चुअली ओवरी से ही इस स्टाइल का फॉर्मेशन हुआ है, और इस ओवरी के अंतिम ही भाग होता है जो ट्यूब नुमा जो संरचना होता है, और ये स्टिग्मा होता है, ये इसी से बना हुआ है, ओवरी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा होता है, एक्चुअली इस स्टिग्मा की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इस स्टिग्मा क्या करता है, ये जो एंथर है, ठीक है, इस एंथर से बाद में, इस एंथर में क्या होता है, अंदर में ही पाया जाता है, पॉलन ग्रेन रहता है। तो जैसे ही एंथर फट जाता है, तो फटने से ये क्या हो जाता है, यहां से पॉलन ग्रेन जो होता है, परागण होता है, वो परागण को क्या करता है, ये जो स्टिग्मा होता है वो उसको रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद, मतलब इस स्टिग्मा का मेन फंक्शन हुआ ये परागण को पुंकेसर से ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है। अब ग्रहण कर लिया, अब आते हैं स्टाइल। स्टाइल जो वर्ती का आग्रह होता है, वर्ती का आग्रह का मेन काम होता है यहां से जो आया है पॉलिंग ग्रेन उसको यहां तक पहुंचाना, ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये स्टाइल कनेक्ट किया है स्टिग्मा को यहां से ओवरी तक में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, ये नलीनुमा संरचना है ये, ठीक है, नलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस स्टिग्मा यहां से पुंकेसर को लेते आते आते ये यहां पर आ जाते हैं जहां उभार नुमा संरचना है, जिसको कहा जाता है ओवरी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर ओवरी, ठीक है। तो इस ओवरी को एक्चुअली हम इसको फाड़ के देखे, एक मिनट ना, बहुत ये स्टिकी है ना, एकदम बहुत ही स्टिकी है। और
और एकदम चिपचिपा होता है ये, एकदम चिपचिप किप किप करता है ये, ठीक है। तो इसको ये सेक्शन कटिंग करने के बाद देखते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे बीज नुमा छोटा छोटा संरचना दिखाई देता है जिसको ओव्यूल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ये आपको ये आ गया, 1 मिनट ना, ये मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब इसको ये है अंडाशय, ठीक है। अब इस अंडाशय को यदि हम इसको काटेंगे, ठीक है, काट देते हैं, ये हाथ से ही काट देते हैं, कुछ नहीं है तो ये काट दिया, ठीक है। अब काट दिया तो मैं इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बहुत छोटा छोटा बीज नुमा दिखाई दे रहा है। यदि आपके घर में ये फ्लावर हो तो आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा छोटा जो दिख रहा है एक्चुअली ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है ये, ठीक है। क्लियर, नर और मादा दोनों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहां है, हम आते हैं ये पुंकेसर से, ठीक है। पुंकेसर नर जनन अंग होता है, यहां पर है पॉलिंगर, परागण है। तो एक्चुअली जो परागण जो होता है वो याद रखना, यहां पर परागण है और यहां पर है ओव्यूल है, ठीक है। तो ये जो परागण, सॉरी, यहां पर जो एंथर है और यहां पर है ओव्यूल, तो ये जो एंथर जो होता है, एंथर में जो पॉलिंग ग्रेन्स होते हैं वो होता है मेल गैमेट्स, ठीक है। नर युग्मक होता है और ये होता है मादा युग्मक जिसे ओव्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो एंथर से में जो पॉलिंग ग्रेन्स होता है, ठीक है, पॉलिंग ग्रेन का स्टिग्मा से होते हुए यहां ओवरी में आने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा से होते हुए, नली नुमा संरचना से होते हुए इस ओवरी में आने की जो प्रक्रिया होता है वो पॉलिनेशन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। पॉलिनेशन की क्रिया हुआ, ठीक है। यहां पर आ गया पॉलिन ग्रेन और पॉलिन ग्रेन इस ओव्यूल में आ जाते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो वहां पर मिलने की जो प्रक्रिया होता है वो फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया कहलाता है, क्लियर। तो वहां पर मतलब ये जो हुआ पॉलिंग ग्रेन्स और ये ओव्यूल्स मिल गया तो बन गया फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अब उसके फल स्वरूप, प्रोसेस के फल स्वरूप वहां पर बनता है जायगोट, ठीक है। फिर जायगोट में विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा और कोशिका विभाजन के फल स्वरूप जो जायगोट होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और दो भागों में डिवाइड होने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, वो फिर एक फॉर्मेशन कर लेता है एम्ब्रियो का, ठीक है। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण कहा जाता है। फिर वही बाद में जो भ्रूण होता है वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, तीसरा फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक बीज का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। बीज और फलों का निर्माण करता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो ओवरी जो होता है, इस ओवरी एक्चुअली जो कंप्लीट या जो बोल सकते हैं जो परिपक्व या मैच्योर जो ओवरी होता है इसी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बार यह तो पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा चीज, ठीक है। तो पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया कि जो पॉलिंग ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा रिसीव करता है और स्टिग्मा से ओवरी में, यहाँ पे ओवरी में आता है। तो ये प्रक्रिया हुआ पॉलिनेशन की, ठीक है। तो पॉलिनेशन दो प्रकार के पॉलिनेशन पाया जाता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्व परागण कहा जाता है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसे पर परागण की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ही चाइना रोज होता है, चाइना मान लीजिए एक चाइना रोज का पेड़ है, ठीक है। उस पेड़ में बहुत सारे पत्तियां होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बार और क्लियर पॉलिनेशन में एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पॉलिनेशन में बताया कि पॉलिनेशन इक्वली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग ग्रेन
फ्रॉम स्टेमन, स्टेमन ये स्टेमन टू कार्पल, ये कार्पल होता है, कार्पल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया होता है। अब मैंने बताया कि पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है वो है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया रहा था कि मान लीजिए एक चाइना रोज का एक पेड़ है और एक पेड़ में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर से क्या होता है, इस स्टेमन से क्या होता है, जो कार्पल तक, मतलब बोल सकते हैं पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल, वन फ्लावर टू एनदर फ्लावर, मतलब एक ही पेड़ के एक फूल से दूसरे फूल में इस पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। और यही बात किया जाए एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, ठीक है, पॉलिन ग्रेन का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल, ये कार्पल है, ठीक है, कार्पल यहां तक ट्रांसफर जो होता है वन ट्री टू एनदर ट्री, ठीक है, एक पेड़ के दूसरे पेड़ के पुष्प में जो ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है पर परागण की क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से पर परागण या स्वपरागण की क्रिया के फल स्वरूप ही ये यहाँ पर आ जाता है, ओव्यूल में आएगा, फिर वो दोनों वहां पे प्रोसेस करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा और फिर वो जायगोट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फिर जायगोट हैज डिवाइड टू 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 फॉर्म, ठीक है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद वहां पर कोशिका विभाजन होगा, फिर वो धीरे धीरे इम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर लेगा और इम्ब्रियो के फॉर्मेशन करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ठीक है। अब आपको मालूम है सीड के बारे में, जो बीज होता है वो सीड बन गए, सीड है, तो एक्चुअली जिसमें सीड होता है, सीड फ्रूट के अंदर में होता है, ठीक है, जो बीज सीड के सॉरी जो बीज फ्रूट के अंदर में होता है और जहां पे उससे जो पौधे में क्या होता है, ये जो फ्लावर वगैरह जो होता है उसको एक्चुअली एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी पौधे होते हैं उसको जनरली दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है जिम्नोस्पर्मा और एक होता है एंजियोस्पर्मा। तो हम जो अभी जो पढ़ रहे थे वो एंजियोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्मा में एक कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट जो बीज होता है वो उनके फलो फ्रूट के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये जनरली इस तरह से होता है, ठीक है। और सीड की बात किया जाए तो सीड में एक्चुअली उसका जो बीज होता है, कोई एक बीज पत्री होता है, कोई होता है द्विबीज पत्री होता है, ठीक है। तो द्विबीज पत्री एक्चुअली एक बीज है, इसको दो भागों में यदि वो बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है तो द्विबीज पत्री होता है, ठीक है। जैसे कि चना वाले जितने भी है, चाहे वो चना हो, मटर हो, मूंग हो, अरहर हो, मसूर हो, ठीक है, सभी में देखना है दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और बाकी एक बीज पत्री होता है, ठीक है। अभी जैसे हमने अभी हमने जैसे कि पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ये चाइना रोज गुड़हल, ठीक है। तो किसी भी पौधे में या जो पुष्प में क्या होते हैं, यदि उसमें पुमंग और जयान दोनों हैं तो उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। यदि जिसमें द्विलिंग वे पुष्प जिसमें जयांग और पुमंग दोनों हैं तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे ये गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। और जिसमें या तो फिर जयांग होगा या तो भी पुमंग होगा, तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे मैंगो जो आम होता है और जो पपीता होता है वो एकलिंगी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पौधों में जनन अंग हो गया, कौन कौन से अंग होते हैं वो सब पूरा क्लियर हो गया और इसमें किस तरह से निषेचन की क्रिया होता है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।